देखिए, ये जो हमारा सीटीसी रोड है, ये आज के डेट में 2 बजे के बाद हमारा इस पर ट्रैफिक बहाल हुआ है। तो आज हमने कोशिश की है जितने भी यहाँ पर इमरजेंसी केसेस थे, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज या किसी बच्चे को कहीं एग्ज़ाम देने जाना था, किसी का कोई इंटरव्यू था, तो हमने उनको निकालने की कोशिश की है। करीबन हमने 15 के करीब व्हीकल्स जो है यहाँ से पार किए हैं। तो कल की जो ट्रैफिक मूवमेंट रहेगी वो हमने इन एडवांस एडवाइजरी जारी की है, वो रहेगी चौकीबल टू टंगडार। तो ये इसमें टाइमिंग रहेगी वही 9 बजे से लेके 3:30 तक जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से क्रॉस करेंगी वो यहाँ आएगी। दूसरा, आज हमारा शेड्यूल जो ये था, चॉपर भी था आज, तो 3 पार्टी हो गई हमारी आज। तो इसमें से हमारे ये 4 जो हमारे मेडिकल इमरजेंसी केसेस थे वो हमने निकाले, और कुछ बच्चे जिनका एग्ज़ाम था तो उनको भी निकाला। तो मैं आपके माध्यम से पूरे आवाम को कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अल्टरनेट डेज अब चलेगा ये चॉपर। एक दिन वहाँ गुरेज चलेगा, दूसरा दिन फुल डे करना चलेगा। तो ये इंशाल्लाह रहमान कल के दिन को छोड़ के परसों से चलेगा। बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगा, जितने भी ये व्हीक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं हमारी सीटीसी रोड पे, तो ड्राइवरों से खासकर हमारी गुजारिश रहेगी कि कैब का जो है पूरा इसमें ख्याल रखें, मास्क पहन के जाएं और पूरी स्पेसिंग रखें इनमें पैसेंजर्स में। दूसरा, एंटी स्किड चेन जो है वो लाजमन लगाएं और कहीं भी उसको निकालने की कोशिश ना करें, ताकि जितने भी सवारियां यहां से जाती हैं, जितने भी पैसेंजर्स जाते हैं, उसे